तुम्हें लगता है कि सारी दुनिया सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे ही इर्द गिर्द घूमती है। सोबिया, तुम्हें पता भी है तुम मेरी जिंदगी हो, तुम नहीं जानती क्या ये बात? तुमसे बात किए बगैर मुझे सांस नहीं आती। तो मत लो, छोड़ दो ना सांस लेना। क्या? मैं अपने बेटे आमिर के लिए सोबिया का रिश्ता मांगने आई हूँ। ये तो बहुत खुशकिस्मती होगी हमारी, मुझे भला क्या एतराज हो सकता है? लेकिन मुझे एतराज है। जी जी, जब तक सोबिया से ना पूछा जाए रिश्ता कैसे हो सकता है? क्या पता वो किसी और को पसंद करती है। लेकिन मेरा ख्याल है कि वो आपका ख्याल भी जान लेंगे, सोबिया खुद ही आ गई। सोबिया बेटा, तुम्हारे ताया वो चाहते हैं कि तुम्हारी शादी आमिर से हो जाए, तुम्हें ये रिश्ता मंजूर है या? मुझे मंजूर है। जीती रहे मेरी बच्ची, खुश रहे, सलामत रहे। मैंने कहा था ना, ये मेरी बच्ची है, हमारे तो बख्त ही खुल गए। मैं अभी आपका मुंह मीठा कराती हूँ। रुके भाभी, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं तो बस रस्मी बल्कि गैर रस्मी यहाँ आ गई हूँ। मजीद को जाके बताऊँगी, जब वो साथ आएंगे तब फिर आप मुँह मीठा कराइएगा। लेकिन भाभी कुछ तो। बस इजाज़त दीजिए, मैं चलती हूँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी बच्ची, बहुत अच्छा फैसला किया तुमने। अल्लाह तुम्हारी नसीब अच्छी करे, तुम्हें दुनिया जहान की खुशियाँ मिले, कभी कोई गम ना, सदा सलामत रहे। मेरी बेटी खुश है? बहुत खुश हूँ मैं तुम्हारे लिए। बहुत मुबारक हो बेटा। थैंक यू बाबा। मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूं, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है। जिस लड़की को तुम्हारे लिए चुना, आज मैं उसे तुम्हारे नाम करके आया हूं। खुश तो मैं भी बहुत हूं, लेकिन बाबा आपने सोबिया से उसकी रजामंदी ली थी ना? उसने खुद हां की है बेटा, इनकार का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे करोड़ों में एक है मेरा हीरा बेटा, क्यों? मुनिया जी, जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। क्या बात है इसकी, अमेरिका जाना चाहता था, चला गया। सोबिया पसंद आई, अब वो भी इसकी हो जाएगी। क्या किस्मत पाई है तुमने बेटा। ये तो सब मामा आपकी दुआओं से है। बेटा दुआएं भी तो साथ उसकी तदबीरें भी तो होती हैं ना। तदबीर सब कुछ नहीं होती मजी, किस्मत का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। इंसान अगर अपनी किस्मत के फेर में आ जाए तो बर्बाद हो जाते हैं। किस्मत अपनी बनानी पड़ती है मुनीरा बेगम, उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। बैठे बैठाए जिसको सब कुछ मिल जाए ना, उसको उसकी कदर नहीं होती। आप दोनों ये क्या बातें लेकर बैठ गए, खुशी का मौका है, इसको अच्छी तरह सेलिब्रेट करते हैं। इनफैक्ट मैं क्या सोच रहा था कि आज हम अच्छा सा खाना खाने जाते हैं, और बिल मेरी तरफ से। सही। ठीक है बेटा। आई नहीं बाजी? आ रही थी, अचानक वापस जाना पड़ा, फिर चक्कर लगाएंगे। हाँ, पता नहीं उन्होंने आसिफ से बात की थी या नहीं। क्या हो गया अम्मी, ऐसी बातें क्यों कर रही है? बेटा मैं चाहती हूँ अब मेरी जिंदगी में तुम्हारा कुछ हो जाए, इससे पहले कि मुझे कुछ हो। प्लीज ये सब सोचना छोड़ दें। पता नहीं आसिफ कब आएगा। आपको
खाला पे भरोसा नहीं है? पाजी पे तो भरोसा है, लेकिन सोचती हूँ कि अगर आसिफ ने बाहर जाके दिल में किसी को बसा लिया तो क्या होगा। बस इसीलिए बाजी से एक दफा बात करना चाहती हूँ। इस बात से ज्यादा इस बात की अहमियत है कि मेरे दिल में सिर्फ आसिफ है और हमेशा वही रहेगा। बेटा मुझे लगता है बचपन में तुम्हारे सामने आसिफ से रिश्ते की बात करके मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। अब बहुत डर लगता है मुझे। किस बात से? बेटा डर है कि कहीं आगे जाके ये मोहब्बत तुम्हारे जी का जंजाल ना बन जाए। प्लीज अम्मी, अच्छा सोचेंगे तो अच्छा होगा। अच्छा ही तो सोचा था, लेकिन अब पता नहीं क्या होगा। बस यही फिक्र खाई जा रही है मुझे। अच्छा चलें, आराम करें आप। अल्लाह मालिक है, परेशान होने से कुछ नहीं होगा। ये पानी है और ये दवाई, ये खा लें आप जल्दी से। चलें। तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए, क्या करूं, दिल नहीं लगता तुम्हारे बगैर, वक्त भी नहीं गुजरता, इसीलिए भागा भागा चला आया सिर्फ तुम्हें देखने। अल्लाह करे आसिफ का फोन ना आए, अगर आ गया तो मैं इसे क्या जवाब दूंगी। अल्लाह तुमसे पूछे सोबिया, मेरे एक बेटे को फंसा के दूसरी जानब मुड़ गई। अच्छी धोखा दही की है मेरे मासूम बेटे के साथ तुमने। तुम जैसी लड़कियां कभी सुकून से नहीं रहती। शक्ल सूरत की मासूम नजर आने वाली, दिल में इस कदर घिनौने ख्यालात लिए बैठी सामने वालों को बेवकूफ बनाती हैं। आसिफ, सोबिया तुम्हारे लिए कितनी अहमियत रखती है? जो मैंने आपको बता दिया था कि वो मेरी जिंदगी है और मैं उसके बगैर नहीं रह सकता, आप मुझसे ये बात पूछी क्यों रही है? पूछना जरूरी है आसिफ, मैं जानना चाहती हूँ कि वो तुम्हारे बारे में कितनी सीरियस है। उतनी जितना मैं सीरियस हूँ उसके बारे में। तुमने अभी तक उसको कितना आजमाया है? क्यों, मैं उसे क्यों आजमा? वो जैसी है मेरे लिए वैसी ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। लेकिन तुम उसके काबिल नहीं हो आसिफ, अगर इस वक्त मजीद आमिर का रिश्ता उसके लिए लेके जाए तो। आप ऐसी बात कैसे कर सकती है, ऐसा मैं नहीं होने दूंगा, ये आप जानती है। बेटा तुम्हारे ताया अबू चाहते हैं कि तुम्हारी शादी आमिर से हो जाए, तुम्हें रिश्ता मंजूर है? बच्ची आज खाने में क्या बनाऊं? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हो क्या? मैं तो कब से पूछ रही हूँ कि खाने में क्या बनाऊं, लेकिन मुझे लगता है कि आप कुछ परेशान हैं।
मुझे तंग मत करो, मेरी फिक्र भी करने की कोई जरूरत नहीं है, किचन में जाओ उसको संभालो। जी ठीक है। भाई रशीदा थोड़ा सा तो सब्र किया करो ना, बस मैं आ रही हूँ, निकल ही रही हूँ, ये जरा काम समेट लूँ। तुम तो बिल्कुल भी सब्र नहीं करती। हाँ हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। ओके ओके अल्लाह हाफिज़। सलाम अलैकुम भाभी। अरे वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? मैं अकेले आई हूँ, भाई नहीं आई आपके साथ? नहीं नहीं वो मैं मिस कर रही थी सोबिया को, तो सोचा उससे आके मिलूँ, उसके लिए गिफ्ट भी लाई थी। घर पे है सोबिया? हाँ हाँ सोबिया तो घर पर ही है, लेकिन आप ना मुझे थोड़ी देर के लिए इजाज़त दें, मुझे ज़रा रशीदा बाजी की तरफ जाना है, कमेटी का कोई मसला बना हुआ था। सोबिया आप फिक्र ना करें, आप जाएं, टेक योर टाइम, मैं सोबिया से वैसे गपशप लगाने आई थी, मैं देख लेती हूँ, आप जाएं। चलें मैं आती हूँ, आप चलें। हाँ हाँ ज़रूर। सोबिया 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 बाहर आओ। अस्सलाम वालेकुम तायमी, खैरियत? क्या कर रही थी? वो मैं पढ़ाई कर रही थी, आप आइए ना बैठिए। पढ़ाई? जब आसिफ गया था तब तो तुम्हारा पढ़ाई में बिल्कुल दिल नहीं लगता था, आजकल लग रहा है? तुम्हें क्या लगता है किसी का दिल तोड़ने से अपना दिल लगा पाओगी तुम? कितनी आसानी से तुमने मेरे बेटे आसिफ को रास्ते से हटा दिया, क्या सोच के तुमने आमिर से शादी के लिए हाँ की? हाँ बताओ। मैं मुस्तकबिल का सोच रही। मुस्तकबिल का? तुम ऐसे कैसे कर सकती हो सोबिया? बिल्कुल वैसे ही जैसे आपने किया था। मैंने क्या किया? कुछ साल पहले आपने भी तो अपने मुस्तकबिल के लिए, अपनी छत के लिए एक फैसला किया था। मेरी बात अलग थी। क्यों? जब बात आप पर आती है तो बात अलग क्यों हो जाती? तुम मुझे बीच में क्यों ला रही हो? तुम तो आसिफ से मोहब्बत करती थी सोबिया। आपकी भी तो औलाद थी, आपने क्या किया? आज उसके साथ जो कुछ भी हो रहा है उसकी कसूरवार सिर्फ आप। मैं या तुम? आप हैं कसूरवार। आपका बेटा था ना वो, कभी भी आपने उसके लिए स्टैंड लिया? नहीं ना, तो फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि जो काम आप नहीं कर सकी वो मैं करूंगी? आपने तो कभी उससे प्यार ही नहीं किया, तायब की नजरों में अपनी अहमियत बढ़ाने के लिए उसे इग्नोर करती रही। आज आपकी वजह से वो एक वैश्य बन चुका है। आप मुझसे सवाल कर रही हैं? आप नहीं जानती कि उसने मेरे साथ क्या किया? मैंने उससे मोहब्बत जरूर की है लेकिन अंधी नहीं। मेरी बात, मेरी पूरी जिंदगी पड़ी, मेरे कुछ ख्वाब हैं, कुछ ख्वाहिशात हैं बचपन से, और मैं अपने ख्वाबों और ख्वाहिशात की बहुत कदर करती हूँ। किसी के भी पीछे अपने ख्वाब उजाड़ नहीं सकती। कितनी खुदगर्ज हो तुम सोबिया। खुदगर्ज तो आप ही हूँ। थी मैं एक मजबूर माँ थी। लेकिन मैं मजबूर नहीं हूँ और ना ही मैं किसी के हुक्म की गुलाम हूँ। मुझे जो सही लगेगा मैं वो फैसला करूंगी। ठीक है, लेकिन तुम पछताओगी सोबिया, तुम्हारा दामन भी एक दिन खाली रह जाएगा, याद रखना। दुआएं दे रही हैं आप मुझे। सोबिया
इससे बेहतर है कि आप आसिफ के लिए दुआ करें। दुआ तो मैं इसके लिए करती आई हूँ और करती रहूंगी। मेरे हाथ हमेशा उसके लिए उसकी भलाई की दुआ में उठेंगे, और देखना उसकी भलाई इसी में होगी कि तुम जैसी लड़की उसकी जिंदगी में ना आए। इंशाल्लाह उसको ऐसी लड़की मिलेगी जो तुमसे बहुत ज्यादा अच्छी होगी, वफादार होगी, उसको प्यार करेगी, वही उसकी दुल्हन बनेगी। तुम सिर्फ के दुश्मन नहीं, अगर उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ होगा तो मुझे खुशी होगी। भाई मैं जिस दिन आप उसकी ढाल बनकर खड़ी हो जाएंगी, यकीन करें उसकी किस्मत सवर जाएगी। किस्मत तो मैं अब उसकी सवार के ही दम लूंगी, तुम अपनी खैर मनाओ। टूटे हुए दिल पे महल बनाने जा रही हो तुम सोफिया, उसकी तिरछियां तुम्हें जरूर चुभेंगी, जरूर चुभेंगी। और हां, तुम्हारे लिए मैं गिफ्ट लाई थी, ये लो। बीबी जी, फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? मैं गाड़ी अंदर लगा दूं? नहीं नहीं, गाड़ी बाहर ही रखिए, बस मैं कुछ चीजें उठा लूं फिर निकलना है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। सही नसीब, आप यहाँ, वो भी अचानक। जी वो एक्चुअली कुछ बुक्स रह गई थी, बस वही लेने आई हूँ। मुझे हुक्म किया होता मैं खुद ले आता। नहीं ढूंढनी पड़ेंगी इसलिए मैं खुद ही आ गई। वैसे बाबा ने जब मुझे बताया कि आपने मेरे लिए हाँ कह दी तो पहले तो मुझे यकीन ही नहीं आया। ऐसे मुझे अंदाजा था कि आप इनकार नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी डर तो लग रहा था। आपके लिए भी तो अनएक्सपेक्टेड होगा ये सब। क्या बात है सोफिया? कुछ कुछ नहीं। तो फिर इतनी खामोशी क्यों? कोई प्रॉब्लम है क्या? बस ऐसे ही। यानी आप इस रिश्ते से खुश नहीं है? आपसे किसने कहा? आपकी खामोशी ने। नहीं नहीं, मैं खुश हूँ। इनफैक्ट मैं तो ये सोच रही थी कि अब कितना आसान हो जाएगा ना, मेरी पढ़ाई का खर्च भी नहीं होगा, मैं वहां रहूंगी तो। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स, अब आपको बिला वजह यहाँ से वहां भागना नहीं पड़ेगा। जी हाँ, बाबा ने मामा को क्रेडिट कार्ड दिया है ताकि आपकी मंगनी की शॉपिंग कर लें। वैसे तो मेरा क्रेडिट कार्ड भी है, आप जब चाहें यूज कर सकते। नहीं, मेरा मतलब कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं आप ही के साथ चली जाऊंगी शॉपिंग के लिए, आपकी पसंद की चीजें ले लूंगी। अच्छा जी, मैं चाहती हूँ कि मंगनी पे मैं आपकी पसंद से ही तैयार हूँ। ये तो मैंने सोचा ही नहीं, कमाल का आइडिया। मैं मम्मा से बात करता हूँ, फिर हम साथ शॉपिंग पे चलते। ठीक है, हो सकता है कि कल मेरी क्लासेस जल्दी ओवर हो जाए तो आप फिर मुझे पिक कर लीजिएगा। श्योर, डन। मैं फिर चीजें ले लूं। ओके। हेलो आसिफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कब वापस आ रहे हो तुम?
मैं बहुत जल्द वापस आ रहा हूँ, इसलिए तो आपको कॉल की थी। आप अपनी तैयारी रखिए, मेरे आते साथ ही हम सोफिया के घर उसका रिश्ता लेने जाएंगे। अभी तो सोफिया के इम्तिहान चल रहे हैं। हाँ तो जब तक मैं आऊँगा ख़त्म हो जाएंगे। उसके इम्तिहान तो बहुत लंबे चलते हैं ना। हाँ तो हमने कौन सा इतनी जल्दी शादी करनी है, तैयारियाँ होंगी सारी, मैं सेविंग्स की हुई है शादी के लिए, और बाकी जब मैं आऊँगा तो जॉब हो जाएगी, कुछ पैसे उससे आ जाएंगे, फिर शादी की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, और जो कुछ भी करना है मैं अपने बलबूते पे करूँगा। और हाँ, आपने उनसे ना जहेज नहीं मांगना, वो हम खुद कर लेंगे। तुमने इतना कुछ सोच लिया है, पहले वापस तो आ जाओ। हाँ मामा, मैं तो आ रहा हूँ, बस चंद दिन में आ रहा हूँ आपके पास। हाँ तो तब की तब देखी जाएगी। सोफिया कैसी है, कहाँ है वो? वो इम्तिहान की तैयारी की वजह से सोफिया अब ज़्यादातर अपने घर ही रहती है, और सलमा भाभी भी अकेली होती हैं इसलिए। और आपका वो बेटा आमिर? आमिर हाँ, वो यहीं है, कल से दफ्तर जाना शुरू करेगा। ठीक है मामा, मैं चलता हूँ, पर आप अपना ख्याल रखें। तुम भी अपना ख्याल रखना आसे। ओके, हाफिज। बेटा हो गई ऑफिस की तैयारी? जी बाबा, तैयारी भी हो गई और बहुत एक्साइटेड भी हूँ। आज ऑफिस का पहला दिन जो है। माशाल्लाह, अल्लाह कामयाब करे। मुनीरा, हमारे बच्चे का ऑफिस का पहला दिन है तो बड़ा बेहतरीन सा नाश्ता करवाओ इसे। जरूर। देख रही है मामा इन्हें, ऐसे सेलिब्रेट कर रहे हैं जैसे मेरा ऑफिस का नहीं स्कूल का पहला दिन हो। माँ बाप अपनी औलाद की हर कामयाबी को इसी तरह सेलिब्रेट करना चाहते हैं। You're right. तो फिर अब आप एक नहीं, अपने दो बेटों की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए तैयारी कर ले। क्या मतलब? मतलब ये कि अब आसिफ भी कुछ दिनों में आ ही जाएगा, फिर हम दोनों भाई मिल के ऑफिस जाया करेंगे। तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया? क्यों बाबा, आसिफ अब कुछ दिनों में वापस आने वाला है, हम दोनों भाई मिल के ऑफिस चलाएंगे। खबरदार, खबरदार जो उसका नाम भी लिया तो। ये सब कुछ मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूं, इस पर सिर्फ तुम्हारा हक है, समझे? ठीक है बाबा, लेकिन। कोई लेकिन वेकिन नहीं। अरे तुम्हें पता नहीं कि उसने मेरे साथ क्या क्या शुरू किया है? वो इंसान नहीं, दरिंदा है, वैश्य है। अरे ना उसे उठने की तमीज, ना बैठने की, ना जिंदगी गुजारने का सलीका। कोई एक काम हो जो उसने ढंग का किया। पहले की बात और थी, लेकिन अब भी वो वैसा ही है। तुम्हें क्या लगा चार दिन ट्रेनिंग करके वो बदल गया होगा? हर जैसे ही। अरे ट्रेनिंग ऐसों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती जो पहले से बिगड़े हो। पापा, एक मौका तो उसे दिया। मैंने कहा ना, मैं उसका नाम नहीं सुनना चाहता, ना अभी ना तब जब उस घर में आए। अब वो बड़ा हो गया, बहुत कुछ किया मैंने उसके लिए, अब मजीद मुझसे कुछ नहीं होता। मैंने कोई दारुल अमान नहीं खोल रखा कि सबको संभालता फिरूं। बाबू, प्यारे बाबू, आप गुस्सा ना करें, देखे ना आपने अपनी तबीयत खराब कर ली। अरे नहीं, तुमने मेरी सारी खुशी और मजा किड़कड़ा कर दिया। मैं अब उसका नाम नहीं लूंगा, आप अपना मूड ठीक करें और मुझे खुशी खुशी रुखसत करें। कर दिए जाओ बाबा, दुआ भी नहीं देंगे? जाओ यार। Love you, बाबा। मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज।
आमिर। जी मामा। बेटा तुमने आसिफ को अपना भाई समझा, मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। मैं सब समझता हूँ मामा, और मैं आपको दुखी नहीं देख सकता। दुआ कीजिएगा कि जिंदगी भर में आपको कोई तकलीफ ना। थैंक यू। मुझे पता है तुम तो मेरी जान हो। थैंक यू। चलो जाओ, ऑफिस के लिए देर हो। खुदा। अरे रुको इसे, वरना पूरे घर को बम लगा के उड़ा देगा। वैश्य है तू। आसिफ, तुमने क्यों किया ऐसे? सुना नहीं आपने मुझे क्या कहा? वैश्य, ठीक कहा। अरे तो मैंने क्या गलत किया? सुनिए मजीद, एक बात कहूं? हाँ बोलो। आसिफ बड़ा है, इस लिहाज से शादी का पहला हक उसका बनता है। आसिफ सोबिया को बहुत पसंद करता है मुझे, और आमिर के लिए तो हम एक मिनट नहीं रहा। सोबिया मेरी भतीजी है। अरे मैं उसकी पढ़ाई लिखाई पर सब कुछ लगा रहा हूँ, तो मेरा हक बनता है उसका अच्छी तरह रिश्ता तय करो। खैरियत के भाई साहब, क्या जरूरी बात करनी थी आपको? दरअसल भाभी मैं सोच रहा था कि आमिर और सोबिया का निकाह कर दें। निकाह? जी भाभी निकाह, वो इसलिए कि दोनों बच्चे तो राजी हैं और शादी के लिए तैयार भी, बजाय कि हम एक फंक्शन और करें इससे बेहतर है कि निकाह ही कर देते हैं। अच्छा, क्यों कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं, परेशान नहीं हूँ, लेकिन इतना जल्दी? हाँ भाभी जल्दी तो है, लेकिन आप खुद सोचे ना, सोबिया हमारे घर में रह रही है, दोनों बच्चों का आमना सामना होता है, बेहतर यही होगा कि क्यों ना उनका निकाह कर दें। फिर भी सब तैयारियाँ कैसे होंगी? अब तक करता आया हूँ तो अल्लाह ने चाहा तो आगे भी जिम्मेदारियाँ निभाई लेंगे। हम तो पहले ही आपके एहसानों तले दबे हुए, और अब आप ये सब भी करेंगे तो? भाई भी कहती हैं और एहसान की बात भी करती हैं। देखिए सोबिया मेरी बेटी है, मैंने तो उस वक्त भी यही सोचा था कि सोबिया को बेटी समझ कर नहीं बेटी बना कर ले जा रहा हूँ। ये तो आपका बड़ापन है भाई साहब। ऐसी कोई बात नहीं, बस आपसे दरख्वास्त है कि आप मुतमईन रहें, भरोसा रखिए अपने रब पर, मैं किसी किस्म की कोई कमी नहीं रखूंगा। चलें ठीक है, जैसे आपकी खुशी। वैसे भी सोबिया आप ही की तो बेटी है। बहुत शुक्रिया भाभी। Sorry. ये क्या तरीका है? आपने मुझसे कहा था आप मुझे खुद पिक करने आ रहे हो, फिर आपने ड्राइवर को भेज दिया। जी बिल्कुल, लेकिन हुआ कुछ यूं कि बाबा ने मुझे रोक लिया, उन्हें कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करनी थी हमारी शादी के हवाले से। क्या हुआ? I'm sorry बाबा, आप तो नाराज हो गई। नाराज नहीं हूँ। अच्छा चलो ठीक है, आज से आपकी ये जिम्मेदारी, इनफैक्ट यही क्यों, सारी जिम्मेदारी सिर्फ मेरी, आ जाया करूंगा रोजाना आपको लेने। अच्छा लगा ये सुनकर।
वैसे मैं खुद भी अपनी जिम्मेदारी उठा सकती हूँ। जब हम हैं तो आप खुद क्यों उठाएंगी अपनी जिम्मेदारियां? अच्छा वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? भला आपकी फरमाइश को टाला जा सकता है? शॉपिंग पे जा रहे हैं, बहुत सारी शॉपिंग करेंगे और उसके बाद अच्छा सा डिनर भी। चले चल। ये क्या है यार? पैकिंग कर रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ, टिकट करा लिया मैंने अपनी। लेकिन इतनी जल्दी क्या है? बड़ी मेहनत करके तुम यहाँ तक आए हो, पैसा कमाया है और अब अचानक भाग रहे हो, थोड़ा एंजॉय तो करो। तुम्हारी एंजॉयमेंट के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, ये रिस्क नहीं ले सकता मैं। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात। समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा, सिवाय इसके कि मुझे अपने और सोबिया के इस रिश्ते को बचाना है, इससे पहले कि वो किसी और की हो जाए। मुझे वहां जाना है यार। लेकिन वो किसी और की कैसे हो सकती है जब वो तुमसे मोहब्बत करती है? मोहब्बत मुझे रास नहीं आती दोस्त, और पता नहीं क्यों बहुत दिनों से मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि वो मुझसे छिन जाएगी, दूर चली जाएगी, और ये रिस्क मैं नहीं ले सकता और ना लेना चाहता हूं। स्ट्रेंज मैन, अम्मी अम्मी कहाँ हैं? जल्दी बाहर आए। क्या हुआ सोबिया? ये देखिए, ये होती है शॉपिंग। तुमने तो मुझे डरा ही दिया। डरना छोड़ दें आप, ये देखें मैंने जिस चीज पे हाथ रखा है ना, आमिर ने मुझे लेकर दिया। तुम्हारी तो ख्वाहिश पूरी हो गई ना सारी? वैसे आमिर का कुछ तो ख्याल करती बेटे, इतना कुछ खरीद लिया तुमने। अम्मी प्लीज, अब मेरी शादी होने वाली है, अब तो मुझे खुलकर जी लेने दें, कोई गिल्ट नहीं है मुझे। अच्छा भाई, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, क्या हाल है? मैंने कहा तुमने तो बुलाया ही नहीं, जाके मैं बारीकी दे। कैसी हैं आप? हुको तुम कैसी हो सोबिया? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जैसे भी है तुम्हारे सामने ही हैं। मुझे बहुत मुबारक हो तुम्हें, तुम्हारा निकाह हो रहा है। निकाह? हाँ बेटा, वो मजीद भाई आए थे तो मंगने के बजाय डायरेक्ट निकाह का कह गए हैं। अच्छा तुम ये सब उठाओ और अंदर ले जाओ ना, ये सब क्या सब बखेर के रखी हुई है। जाओ शाबाश। तुम्हें भी बहुत मुबारक हो सलमा। खैर मुबारक। बाजी आप बैठे तो सही ना। बैठती हूँ। मैं आ रही थी आपकी तरफ, लेकिन यकीन माने ये सब कुछ इतना अचानक हुआ है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाई। मजीद भाई ने सारे मामले में बहुत जल्दी डाल दी थी। हाँ कर सकते हैं वे सब कुछ, उनका बेटा बाहर से पढ़कर आया है, नौकरी की उसको कोई फिक्र नहीं, और माशाल्लाह अल्लाह का दिया सब कुछ ही है उनके पास। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन मेरे दिल की बात और मेरी ख्वाहिश अगर आप पूछें तो मैं तो यही चाहती थी कि ताहिर का रिश्ता सोबिया के साथ हो, लेकिन आमिर के साथ जिस तरह से उसका रिश्ता जुड़ा है मैं तो देखती ही रह गई हूँ। मजीद भाई आए, रिश्ता डाला और फिर निकाह की बात की, मैं कुछ कर ही नहीं पाई, कुछ समझ ही नहीं पाई। सलमा तुम अपनी खुशी में हमें शरीक तो कर सकती थी ना? बाजी आप मेरी बात का यकीन करें, मेरा पूरा इरादा था, लेकिन मजीद भाई ने तो जैसे जिद ही डाल ली थी जल्दी करने की। और खैर करने को तो बहुत कुछ हो सकता था, तुम्हारी तरफ से भी और मजीद भाई की तरफ से भी। आपका गिला बनता है बाजी, मेरी तरफ से कोताही है। मुझे लगता है कि रफीक भाई जिंदा होते तो ये रिश्ता कभी ना होता, लेकिन जिस तरह से ये सब हुआ है ना, मुझे तो यकीन हो गया है कि रिश्ते आसमानों पर ही बनते हैं। हाँ शायद वो होते तो बहुत कुछ मुख्तलिफ होता। बाजी मैं खुद आपकी घर ना मिठाई लेकर आऊंगी, अब जो हो गया उसको मैं बदल तो नहीं सकती, लेकिन मैं दुआ करूंगी कि आपको सोबिया से ज्यादा अच्छी बहू मिले और ताहिर को उससे ज्यादा प्यारी और नेक बीवी मिले, जो आपके घर को रौनक बख्शे और खुशियों से भर दे। कभी आपके घर में कोई तकलीफ कोई परेशानी ना हो। ये सब क्या है बाजी? मैं शाकरा, मुझसे अब और इंतजार नहीं होता। मैं सदफ का हाथ मांगने आई हूँ अपने आसिफ के लिए। लेकिन आसिफ को तो आ जाने देती हूँ। वो भी आ जाएगा, फिर हम दोनों साथ आएंगे, लेकिन अभी मैंने सोचा कि रिश्ता पक्का हो जाए।
चलें, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि बाकायदा रिश्ता ले आए। वैसे ना मैं कहीं भागी जा रही थी और ना सदफ। सदफ है कहाँ, उसका मुंह मीठा कराऊं मैं? शर्मा रही होगी। लीजिए आ गई आपकी सदफ जी। चाय बना रही थी मैं आपके लिए और जब मिठाई लाई उसको भी निकाल रही थी। थैंक यू बेटा, चाय की तो वाकई बड़ी जरूरत थी, मैं बहुत थक गई। अच्छा इधर आओ, ये एक सेकंड मिठाई खिला के पहले तो मैं मुंह मीठा करूं। बारिक हो, आज से तुम मेरी बेटी हो। माशा बेटा बहुत मुबारक हो। वैसे तो तुम बहुत प्यारी हो सदफ, लेकिन आज मुझे और ज्यादा प्यारी लग रही हो। थैंक यू खाला। ये ट्राई करो, ज्वेलरी देखो लगा के कैसी लग रही है। ये इयररिंग्स बहुत प्यारा है। पहन के देखो लगाओ इसको, इयररिंग्स पहनो, चूड़ियां देखे कितनी खूबसूरत। माशाल्लाह आपने तो मेरी सारी परेशानी दूर कर दी बाजी। शाकरा मैंने अपना वादा पूरा कर लिया, अब तुम जल्दी से ठीक हो जाओ और बेटी को रुखसत करो। जो अल्लाह को मंजूर है।